How was it working on it? Well, इसके अंदर एक why did I agree working for this film? Because इस फिल्म में एक ऐसी चीज है जो मेरे को कभी भी किसी भी फिल्म में मिली नहीं, और वो है प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात यहाँ जितने भी आशिक लोग हैं सभी जानते हैं, या जितने भी शादीशुदा है सभी जानते हैं कि प्यार में मरने के लिए तैयार हो जाओ वो तो होना ही पड़ता है एक ना एक दिन। इसलिए मैंने ये फिल्म की, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरी वन, टू जीतू साहब, टू शोभा जी, टू एकता जी, टू मिलन एंड ऑल दीज पीपल हियर, माई को स्टार्स, लवली को स्टार्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस फिल्म। किंग इज बैक द लाइन वॉज सो खिलाड़ी जो है इस बार क्या जानदार, क्या शानदार, कुछ जबरदस्त करने वाला है जी। अभी तो बहुत वक्त है करने के लिए, अभी फिलहाल 8 अगस्त को मुझे मौका मिलेगा करने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जितना भी कुछ किया है आज तक, करीबन 120 या 25 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए बिल्कुल ही अलग है और अलग खेल खेलने को मिला है इसमें। आज तक मैंने अपनी इमेज के बारे में सोचा नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। जब मैंने डेली वैली की सबने कहा कि भाई आप अपना इमेज बदल रहे हैं, जब मैंने मटरू की लोग ने कहा आप अपना इमेज बदल रहे हैं, तो आई नेवर थिंक अबाउट इट। आप लोग सोचते हैं इसके बारे में, मैं कहानी के बारे में सोचता हूँ। मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, नरेशन सुनता हूँ, आई लुक एट इट एज एन ऑडियंस, क्या मैं खुद ये पिक्चर देखना चाहूँगा या नहीं। मुझे कहानी बहुत ही एंटरटेनिंग लगी। मेरे लिए बहुत आसान है बैक इन टाइम जाना, क्योंकि मैं जब बॉम्बे पहली बार आया था तो साइन कोलीवाड़ा में रहता था, और अभी भी मेरा घर वहाँ है तो मैं वहाँ जाया करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं हमेशा बैक इन टाइम जाया करता हूँ। मेरे लिए बैक इन टाइम जाना एक्चुअली मिलन सर ने बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि ये इतने अच्छे से समझा जाकर बैक इन टाइम भेजा है इन्होंने मुझे कि लैपटॉप यास्मिन कैरेक्टर, तो सोती थी उठती थी तो यास्मिन बन गई। सो आई रियली एंजॉयड इट। क्योंकि एक और सवाल है, दोनों ईद पर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, इवन ईद पर एक और एक्शन फिल्म रिलीज हो रही है चेन्नई एक्सप्रेस, and people are saying you know it's between Akshay and Shahrukh on Eid, so kis tarike se dekhte hain aap is cheez ko? Ji, isko main bahut hi acche tarike se dekhta hu, bahut hi positive tarike se dekhta hu, kyunki ek bahut hi bada din hai Eid, aur do filmein aa rahi hain, ye itna bada din hai ki ye dono filmon ko aaram se sama sakegi. I am feeling very lucky because I have got to romance two very handsome men in this film, and I truly am lucky.